ओम दधिवामनाय नमः। बंधु केमिति अछन्ति कमेंट रे सात जन अमरंक नाम लेखि जणांतु। आम पुराण अनुसार जे माने अमर अटंती से मानंकर किछि किछि कथा नियम अभिशाप आदि वर्णना अछि एवं से माने समस्ते दिव्य शक्ति ओ अष्टसिद्धि शक्ति संपन्न अटंती। आमर धर्मग्रंथरे एही सात जनंकु जीवित महामानव कहा जाए। ए मानंकर स्मरण प्रातः समय रे करिबा द्वारा मनुष्य दीर्घायु एवं निरोग होइथांती। तेबे आसंतु एठारे एही शोल्कटी स्मरण करिबा। अस्वस्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एतै चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेय मथाष्टमं जीवेत वर्ष शतंशोपि सर्वव्याधि विवर्जिता। अर्थात अश्वस्थामा दैत्यराज बलि वेदव्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम एही सात जनक सह अष्टमरे मार्कण्डेय ऋषि को सकाळु सकाळु स्मरण करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त रोग बेमार भल होइथाय एवं मनुष्य 100 वर्षर आयु प्राप्त करे। आसंतु एही सात जनक विषय रे अधिक किछि जानिबा। प्रथमे बलि राजा बलिंक दान विषय रे बहु आलोचना अनेक स्थान रे हुए। देवतांक उपरे राजा बोलाइबा पई इंद्रलोक अधिकार करि नैथिले बलि। सत्य युगरे भगवान वामन अवतार रे राजा बलिर औद्धत्यता को अर्थात गर्व को चूना करिबा पई ब्राह्मणर वेश धारण करी बलिंकु तीनि पाद धरणी रे रखिबा पई दानरे मागिथिले। एहा सुनी बलि ब्राह्मणंकु कहिले आपणंकर जेउठी इच्छा हेउची पाद रखि दियंतु। एहा सुनी भगवान विराट रूप धारण करी दुई पादुकु तीनि लोकरे विस्तारित करि देइथिले एवं तृतीय पादरे बलिंकर मस्तकरे रखि बलिंकु पाताल लोककु चापी देले। द्वितीय रे परशुराम श्रीरामंक पूर्वरु परशुराम महान ऋषि थिले। तांकर पितांकर नाम जमदग्नी एवं मातांकर नाम रेणुका। पतिपरायण माँ रेणुका पांच पुत्रंकु जन्म देइथिले। से माने हेले वसुमान वसुसेन वसु विश्वावसु तथा राम। रामंकर तपस्यारे प्रसन्न होई भगवान शिव तांकु फारसा देइथिले। एही कारणरु रामंकर नाम परशुराम होई अछि। एही परशुराम अमर होइथिबारु श्रीरामंक समय रे मध्य थिले। भगवान परशुराम विष्णुंक षष्ठ अवतार अटंती। एहांकर प्रादुर्भाव वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथिरे होइथिला। तेणु एही तिथिकु अक्षय तृतीया कहा जाए। परशुरामंकर जन्म सत्ययुग शेष एवं त्रेतया युगर आरंभ अर्थात संधिकाल बोली जणा जाए। तृतीय रे हनुमान अंजनी पुत्र हनुमान को मध्य अजर अमर रहिबा पई वरदान मिलिथिला। हनुमान रामंक समय रे राम भगवानंकर परम भक्त अटंती। हजारे वर्ष परे महाभारत समय रे मध्य हनुमानंकु देखिबा को मिलिथिला। महाभारत रे एक प्रसंग भीम हनुमानंक लांज को निजर जीवा बाट रे पड़िथिबा देखि कहिले लांजकु रास्तारु बाहर कर
किंतु हनुमान कहिले तुमे लांज बाहर करदे जाओ। यहापर भीम निजर संपूर्ण बल प्रयोग करी मध्य हनुमान लांज को उठाई पारि नथिले। चतुर्थरे विभीषण, रावणर सान भाई विभीषण जे रामंक नामर महिमा जप करी निजर भाईर विरुद्ध रे लड़ाई रे रामंकु सहाय्य करिथिले एवं जीवन सारा राम नाम जपु थांति। श्रीराम विभीषण को अमर रहिबा पई बर प्रदान करिथिले। पंचमरे ऋषि व्यास, महाभारत रे ऋषि पराशर एवं सत्यवतींक पुत्र व्यास थिले। व्यास श्यामल वर्ण थिले एवं जमुना निकटरे थिबा एक दीपरे जन्म होइथिले। एही कारणरु व्यासंकर अन्य नाम कृष्ण द्वैपायन थिला। तांको मां पूर्णि परे शांतनुंकु विवाह करिथिले। तांको टारु दुई पुत्र होइथिले, बड़ चित्रांगद जिए युद्धरे मरि जाइथिले, सान विचित्र वीर्य जिए संतानहीन होइ मरि जाइथिले। वंश रक्षा हेबा पई कृष्ण द्वैपायनंक मां कृष्ण द्वैपायनंकु बुझाइथिले। मांक आग्रह जोगु कृष्ण द्वैपायन विचित्र वीर्यंक दुई संतानहीन राणीक द्वारा ज्ञान ओ जोग बलरे दुई पुत्र उत्पन्न करिथिले, जे कि धृतराष्ट्र एवं पांडु बोली कुहा जाए। ए मानंक सहित व्यासंकर तृतीय दासी पुत्र विदुर मध्य थिले। विदुर व्यास श्रुति नामरे एक श्रुति ग्रंथ प्रणीत करिथिले। तेणु भारतीय संस्कृति व्यासंक ठारे ऋणी कुहा जाए। षष्ठरे अश्वस्थामा, अश्वस्थामा गुरु द्रोणाचार्यंक पुत्र। अश्वस्थामांक मथा उपरे अमरमणि अछि, एही कारणरु अश्वस्थामा अमर अटंती। किंतु अर्जुन अश्वस्थामांकर अमरमणि काढ़ी नहीं थिले। अश्वस्थामा ब्रह्मास्त्र चालन करिबा कारणरु कृष्ण अभिशाप देइथिले, जुग जुग धरि तमे अमर थाओ। ए कथा मान्यता अछि जे आज मध्य जीवित रही निजर कर्मफल भोगुछंती। कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थरे बेले बेले देखा दियंती। यह छड़ा मध्य प्रदेश ठारे थिबा बुरहानपुर किल्लारे एहांकर देखा देबा घटना प्रचलन अछि। सप्तमरे कृपाचार्य, कृपाचार्य शरद्वान गौतमंक गोटिए प्रसिद्ध पुत्र। अश्वस्थामांक मामु एवं कौरवंक कुलगुरु थिले। मोर एई भिडियोरु जदि किछि जानिबाकु पाइले तेबे गोटिए लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिनथिले सब्सक्राइब करिनेबे एवं अन्य मानंकु शेयर करी जणाइबे। ओम दधिवामनाय नमः।